बीसीसीएल पीबी एरिया अंतर्गत गोपाली चक कोलेरी के परियोजना पदाधिकारी जीके मेहता के द्वारा की गई घोटालों का शिकायत सीबीआई नई दिल्ली, केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार से ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह लिखित शिकायत की। उसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पत्र के साथ 29 पेज का साक्ष्य साथ में संलग्न किए गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि जीके मेहता एक ही पद पर 8 वर्षों से पदस्थापित हैं। पदस्थापना की तिथि से इनका क्रियाकलाप भ्रष्ट अधिकारी के तौर पर मजदूरों को विरोध रहा। गोपालीचक कोलेरी अधीन चल रहे खैर आउटसोर्सिंग कंपनी श्री मेहता के द्वारा अनगिनत फायदे पहुंचाया जा रहा है। इसके एवज में एक मोटी रकम कंपनी से ली जा रही है, जिससे बीसीसीएल लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी को बिजली, क्वार्टर, पानी के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी से रेंट लेना है। पर जब मेरे द्वारा आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो श्री मेहता के द्वारा इसमें कुछ भी जानकारियां नहीं दी गई है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये एक बड़ा घोटाला है। जीके मेहता के द्वारा करके नेहरू पार्क के समीप काफ़ी ऊंचे दर से टेज कटिंग कराया गया, लगभग 15 लाख रुपये का कार्य कराया गया और इसका भुगतान भी हो चुका है। जब इस संबंध में मेरे द्वारा आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो जवाब नहीं दिया। जीके मेहता के द्वारा 3960 हरे भरे वृक्षों का परमिटेशन लेकर 62,500 वृक्षों को अवैध तरीके से काटकर बेच दिया गया, जिसकी शिकायत डीएफओ धनबाद से भी श्री सिंह ने की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस घोटाले में डीएफओ भी किसी न किसी रूप में संलिप्त हैं। जीके मेहता के द्वारा दिनांक 8/7/2020 को करके नेहरू पार्क स्थल को सुरक्षित घोषित बताया गया था। अपने लिखित आवेदन में फिर उसी स्थल पर हरे भरे वृक्षों को बड़े बड़े मशीनों से काटकर विस्थापित लोगों को बसाया गया, जबकि जरेडा के तहत विस्थापन किया जाना था। श्री सिंह ने कहा है कि श्री मेहता के द्वारा अपनी लंबी एवं गहरी पहुंच के कारण अभी तक अपने भ्रष्टाचार के संबंध में किसी प्रकार की जांच एवं कार्रवाई से बचे हुए हैं। परिणता भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्री सिंह ने आवेदन किया है कि आवेदन में अंकित बिंदुओं पर अविलंब निष्पक्ष एवं दबाव मुक्त जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। कोरोना काल में सुनवाई में टाइम लग रहा, तब तक हम लोग काम करके खत्म कर देंगे और ये लोग भी ठंडा पड़ जाएंगे। तो ग्रामीण एकता मंच कोई भी मामला को लेता है तो उसको अंतिम चरण तक लड़ाई लड़ते रहता है। 15 बताइए कि 2005-06 से लेकर 2011 तक अब तक कितने पेड़ कटे हैं और क्या कुछ इसमें जो है कार्रवाई किया गया है? देखिए 2006-07 में यहाँ पे 75,000 वृक्ष गोपालीचक एमटा कंपनी के टाइम कटे थे, तो वो समय कोई कानून नहीं था। डीएफओ को साफ कहना था कि हमने वृक्ष लगा के 4 साल में इनको हैंडओवर कर दिया, ये वृक्ष को काटे चाहे जो करे, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस मामला को मैंने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य में पीआईएल दर्ज किया। 4 साल लंबी सुनवाई चली, बहुत सारे ऑर्डर पास हुए, हाई कोर्ट पूरा बैंड कर दिया था इन्हें बीसीसीएल के पूरे एरिया में कि वृक्ष आपको नहीं काटना है। उसके बाद इनको आदेश दिया है कि आपको एक वृक्ष भी काटना है तो डीएफओ से परमिशन लेना है, उसके एवज में आपको 10 वृक्ष लगाना है। लेकिन ये अपने मनमानी कर रहे हैं, वहां पे 62,500 वृक्ष का बलि, यहाँ पे 75,000 वृक्ष का बलि, नेहरू पार्क के पास में वृक्ष का बलि, जिस जगह को असुरक्षित घोषित किए उसी स्थल पर लोगों को 6 महीना के अंदर बसाया गया। और ये जानकारी डीजीएमएस दे रहे हैं, इसमें डीजीएमएस भी दोषी है। प्रदूषण आउटसोर्सिंग से फैल रहा, जहां पर मिट्टी का कटिंग हो रहा वहां पर पानी का पहले छिड़काव होना चाहिए, निरंतर डीजीएमएस को हम लिख रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, उनका रूल कह रहा है। जो आउटसोर्सिंग चल चुके हैं उसको मिट्टी भरना है, वहां पे घास लगाना है, पेड़ लगाना है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी है। इसमें बीसीसीएल, डीजीएमएस और वन विभाग तीनों एकदम अपने काम में फुल लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव आम जनता पे पड़ रहा है। नेहरू पार्क और एक तरफ जो है नेहरू पार्क को बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है कुछ लोगों को बगल नहीं बताया जा रहा है,
तो जिसल कह रही है कि असुरक्षित है, फिर वहाँ पे नेहरू पार्क में लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। विशेषियल के साथ धनबाद जिले में कोई लड़ने वाला नहीं, आउटसोर्सिंग खुला आंदोलन हुआ, मंथली बंधाया काम, कहानी खत्म हुआ। एक किनारे से जितने धनबाद जिले के राजनेता हो या माफिया घराने कहलाते हो, ओपन मीटिंग रखवा देवे और पेन एंड पेपर से मेरे साथ बैठा देवे कि क्या नियम है, क्या रूल है। ये देखिए, आप लोग पेपर दे सकते हैं, ये DGMS ने हमको भेजा है। और ये जो है कि श्री मेहता जी का जांच रिपोर्ट है, वो नहीं जाने कि इनके पास पहुंच जाएगा। ये पार्क को 1,30,00,000 रुपया को बोले कि ये मनी वेस्ट हो रहा वहां पर पार्क के पास में। ये जगह सुरक्षित है, आज जिस जगह आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस जगह को सुरक्षित बता रहे हैं। 2-3 महीना के अंदर वहां से विस्थापन करके आउटसोर्सिंग से मोटी कमाई लेकर वहां पे वृक्ष, दर्जनों हरे भरे डोजर से मशीन से वृक्ष काट कर वहां पे लोगों को बसाया गया। तो यह अब मामला बहुत गंभीर है। जिस जगह पे हम नहीं बोल रहे, उनका लिखित, उनका साइन आप सब कुछ देख सकते हैं, ये जीके मेहता का साइन है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।